गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर. टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट. आओ करें. नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए. बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन्हें इन सही जगह पर लिखना है. जैसे यहाँ पर एक वचन में जिनकी संख्या एक है उन्हें लिखना है, और बहुवचन अर्थात यहाँ जिनकी संख्या एक से अधिक. बच्चों, अब इन्हें हम जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों से पता चलता है, तो हमें शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन, यानी इनकी संख्या एक है या एक से अधिक है. तो सबसे पहले हम एक वचन ढूंढते हैं यहाँ पर. तो कलम, तीतली, बकरी, तोता, इनकी संख्या एक है, तो इन्हें हम इस तरह से यहाँ लिखे हैं. कलम, तीतली, बकरी, तोता, ठीक है, इन खाली स्थानों पर इस तरह से इन्हें भर देना. अब बहुवचन अर्थात जिनकी संख्या एक से अधिक हो. पत्ते, पुस्तकें, आँखें, रोटियाँ, इनकी संख्या जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है, ठीक है, तो इन शब्दों से हमें पता चला कि इनकी संख्या एक से अधिक है. तो इस प्रकार हमने इन्हें खाली स्थानों पर लिख दिया. ठीक इसी तरह साफ और सुंदर अपनी इस पुस्तक में भर देना जो खाली स्थान दिए गए उनमें. अगला प्रश्न, वचन बदलकर दोबारा लिखिए. बच्चों, यहाँ जो वचन दिए गए हैं इनका वचन बदलकर लिखना है, यानी कि यदि ये एक वचन में है तो इन्हें बहुवचन बनाना है, यदि शब्द बहुवचन में है तो एक वचन में लिखना है. तो आओ इसे शुरू करते हैं. माला, मालाएं, रात, रातें, बस्ते, बस्ता, पेंसिलें, पेंसिल, बहन, बहने, धागा, धागे, चाबियां, चाबी, पंखा, पंखे, ये इनके वचन हैं. इन्हें साफ और सुंदर अक्षरों में इन खाली स्थानों पर भरना है, जैसा कि मैंने लिखा है. स्पेलिंग, बिंदु, चंद्र बिंदु, सारा चीज़ को देखना है, ठीक है. अब अगला प्रश्न, चित्र देखकर एक अनेक छांटते हुए नीचे दिए गए स्थान में लिखे. यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ एक और अनेक इन चित्रों से छांटकर हमें यहाँ लिखना है जिनकी संख्या एक है. आओ सबसे पहले उन्हें हम ढूंढते हैं इस चित्र में. तो फुटबॉल, साइकिल, फव्वारा, बच्चा, इनकी संख्या एक है. तो इन्हें हम इस तरह से इन खाली स्थानों पर लिख दिए. इस प्रकार इन्हें भरना है. अनेक अर्थात एक से अधिक जिनकी संख्या हो. तो यहाँ तीन लड़के हैं, चिड़िया, इनकी संख्या एक से अधिक है, एक, दो, तीन, चार, हम इन्हें भी यहाँ लिखेंगे अनेक में. फिर तितलियाँ, एक, दो, तीन, इनकी संख्या है एक से अधिक, यहाँ हम तितलियाँ भी लिखेंगे. और फूल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, बहुत सारे यहाँ पर फूल हैं. तो ये अनेक हो गए, यानी इन खाली स्थानों पर इन्हें भरना है. बच्चों इसी प्रकार स्पेलिंग मैंने लिख दिया, जिस प्रकार एक एक अक्षर दीर्घ देखते हुए अच्छी तरह से साफ और सुंदर अक्षरों में यहाँ पर लिखना है.